नेक्स्ट देखिए, कौन ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखाएगा? फार्म के लिए पैसे नहीं थे, वो तो भगवान को धन्यवाद देंगे, उस दिन दो जोड़ी कपड़े उड़ गए थे तो वो पैसे पड़े थे, फार्म भर दिया। क्या बताओ, इस कंडीशन से कोई है क्या? नहीं है, लेकिन धन्यवाद देंगे। सिस्टम बोलता है किसी को भी प्लान दिखा दो, पता नहीं हो सकता है इसके माध्यम से कोई अच्छा आदमी आ जाए, है कि नहीं? भाई मैं अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे माध्यम से लोग अच्छे आ गए, है कि नहीं? और आज लोगों की लाइन लगी है, डायमंडों की भी लाइन लगी है, और मैं खुशनसीब हूं। इस हॉल में कितने लोग डायमंड बनना चाहेंगे? सभी लोग बताइए, करीब 250 लोग तो यहीं बैठे हैं। कब तक बनेंगे? 21 में, बाकी लोग 22 तक, बाकी लोग 23 तक बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? सभी लोग आप बताओ, 2023 में 250 डायमंड बनना है आपकी टीम में, 250, इतना स्पीड से काम होने वाला है। नेक्स्ट, टेलर का काम करता था, छोटी मोटी दुकान, गली मोहल्ले के कपड़े सिलते थे, लेकिन कब आप आगे बढ़ जाएंगे और कब आप? नेक्स्ट देखिए, लीडर क्लब आज भी कुछ लोग होंगे, मैं भी एक दिन लीडर क्लब बना। जब मैं ज्वाइन किया था, मेरे पास कुछ नहीं था साइकिल के अलावा, पहला बुलसाई का चेक लगा के मैं यहां से मोबाइल लाया। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, आज कुछ लोग सिल्वर बनेंगे, मैं भी सिल्वर बना, मेरी डेडिकेशन जैन साहब ने की, और मेरे को पहली बार नागपुर घूमने का मौका मिला, जिंदगी में पहली बार रजिस्ट्रेशन करा के ट्रेन में बैठ के इतना लंबा सफर किया, क्योंकि अपने काम में तो अपने गली मोहल्ले के अलावा हम कहीं गए ही नहीं, ज़्यादातर जाते थे तो नानी के घर और ससुराल, दो ही जगह जाता ना गरीब आदमी। भाई जब बच्चों की छुट्टी हो जाए तो चलो नानी के घर, और रक्षाबंधन ना आ जाए तो चलो ससुराल, दो ही जगह रहती थी। लेकिन सेफ सॉप क्या धन्यवाद देंगे, कहाँ कहाँ गए तो मैं आज बताऊंगा। नेक्स्ट, सेलेब्रिटी स्टार हुआ, थोड़ा सा ध्यान दें, जल्दी करेंगे। आज भी जो प्लेटिनम बोलते हैं उसको सेलेब्रिटी स्टार बोलते हैं, ऐसा ही नहीं है कि मेरी कंडीशन खराब थी, कुछ लोग और भी हैं। हमारे नरसिंह अग्रवाल जी, जिनका 1 करोड़ का चेक आया, कोई रईस खानदान से नहीं थे, दोनों की फोटो देख लो मैच कर रही है, कर रही नहीं कर रही? हाँ, लिपाई पोताई करके बढ़िया पेंट करके अच्छी अच्छी दीवार चमक जाती है, चमक जाती नहीं चमक जाती। नेक्स्ट, और देखिए धीरे धीरे पॉलिश हुई, गोल्ड बने, और गोल्ड बनने के बाद बाइक खरीदी। हालांकि बाइक मेरे को चलाना नहीं आती थी, साइकिल से बिजनेस को कर रहा था, और बिजनेस करते करते पैसा आया, सर बोले बाइक ले लो, मैंने बाइक की क्या जरूरत है, बोले नहीं नहीं पैसा आ रहा है तो बाइक लो, अरे तो पैसा आ रहा है फालतू खर्चा थोड़ी करना है कि नहीं, क्योंकि जो हमारे काम की चीज नहीं उसको क्यों ले, बोले ना ना लेनी पड़ेगी, तो मैं ठीक है ले लेंगे, और मैं बात को घुमाता रहा। लेकिन सर को पता चला ये तो बंदा बाइक ले ही नहीं रहा, साइकिल स्टैंड वाले को बोल दिया आगे से इसकी साइकिल जमा मत करना। अभी मैं साइकिल लेके आया, साइकिल जमा कर रहा हूँ, साइकिल जमा नहीं कर रहा, मैंने क्यों नहीं कर रहे, बोले सर ने मना कर दिया। मैंने सर मना क्यों कर दिया, बोले जब तक बाइक पे नहीं आओगे साइकिल जमा नहीं होगी। अभी कहाँ खड़ी करूँ, साइकिल तो चोरी हो जाएगी, है कि नहीं? तो मजबूरी में मेरे को बाइक लेनी पड़ी। जब बाइक खरीदने गया, बाइक जब मैंने ले ली, तो मैंने वहाँ बंदे को बोला, मैंने भाई साहब जी हमारी बाइक अगर घर छुड़वा देते तो बढ़िया रहेगा। उस समय शाम को शोरूम बंद होने वाला था, वहाँ का जो मैनेजर बोला, बोला स्टाफ तो चला गया, ये एक बंदा रह गया जे भी जाने वाला, मैं तो इसी से भिजवा दो। उस बंदे को रुकवाया, उन्होंने भाई रुको इसकी बाइक घर छोड़ दो। बोला कहाँ रहते हो, लो मंडी, और लो मंडी वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर था। वो बंदा मेरे मनी मनी नाराज हो रहा, भाई साहब जब चलाना नहीं जानते तो ले क्यों ली, अब हम क्या करें, सेफ सॉप जबरदस्ती दिलवा रही, भाई जबरदस्ती दिलवा रही, नहीं दिलवा रही जबरदस्ती दिलवाती। नेक्स्ट, गोवा घूमने का मौका मिला, जिंदगी में कभी समुद्र नहीं देखा था, केवल सेफ सॉप ही ऐसा है जो नहीं चाहोगे वो भी मिलेगा। नेक्स्ट, टोपाज फोल्डर से काम करते करते टोपाज बने, लेकिन बाद में पता चला कि लैपटॉप में तो वीडियो भी चलती है, पूरी फिल्म चली जाती है, फोटो बहुत अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन इससे टोपाज से पहले 15 रुपए का फोटो खरीदता था, फोल्डर में लगाता था और दिखाता था मैं नागपुर घूम के आया हूं, जो मेरा सम्मान हुआ है। लेकिन लोगों काम तेज हो रहा, मैं देख रहा है इनके बंदे तुरंत जब फार्म भर देते हैं तुरंत डीडी आ जाती है, हमारी क्यों नहीं आ रही, हम तो बहुत देर में समझा पा रहे हैं,
पता चला उनके पास लैपटॉप है। तो मैंने लैपटॉप तो हम भी ले लें, कितने का आता? बोला 35,000 का आता। कहाँ मिलेगा? हमको यही नहीं पता कहाँ मिलेगा। हमारे आगरा में संजय प्लेस एक जगह है, वहाँ लैपटॉप मिलता है भाई। लैपटॉप वाले की दुकान पर गए, मैंने बोला भाई एक लैपटॉप दे दो। तो तुरंत उसने क्या 3-4 फाइलें रख दी मेरे पास, बोला पसंद करो। मैंने इसमें कहाँ से पसंद करें, लैपटॉप दिखाओ। बोले भाई इसी में ही पसंद करो। मैंने इसमें क्या पसंद करें, हमने लैपटॉप मांगा ना कि तुमसे पेपर। बोला ना ना इसमें मॉडल पसंद करो मॉडल। मैं इसमें कहाँ दिख रहा मॉडल, अपन तो कम पढ़े लिखे आदमी भाई। तो मैंने कहा भाई ये मेरे को एक ऐसा लैपटॉप दिखा दो, मेरे को इसमें मॉडल समझ में नहीं आ रहा। लैपटॉप निकालो जिसमें आवाज जोर से आना चाहिए। क्या आना चाहिए? साउंड जोर से आना चाहिए। यहां दिखाऊं एक कमरे में तो 10 लोग आराम से सुन सकें। उसने फटाक से एक बढ़िया डॉल्बी साउंड वाला लैपटॉप निकाल दिया। बोले कितना पेमेंट? 35,000 खट से मैंने दे दिया। मैंने उससे पूछा भाई साहब ये बता दो चालू किधर से होगा? ओ बड़ा हंसा, चालू किधर से होगा बंद किधर से होगा? आज मेरे को उन बातों में खुद भी अभी हंसी आती है कि ऐसे बंदे को सेफ सब ने लैपटॉप दिया जिसको चलाना नहीं आता था, लेकिन आज सारे काम लैपटॉप से ही होते हैं, और इससे ही नहीं एप्पल के लैपटॉप से ही काम होते हैं। बड़ी बात है कि नहीं? एक दिन लैपटॉप की क्लास नहीं ली, एक दिन कंप्यूटर एजुकेशन नहीं लिया, लेकिन काम सारे सेफ शॉप ने सिखा दिया। तो धन्यवाद सेफ शॉप। और नेक्स्ट, पैसा बढ़ता गया, कार भी खरीदी। स्टोरी थोड़ा छोटा करता हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, सही है नहीं? सेफ शॉप में क्या है, कार घोड़ा गाड़ी जब सब छोटी छोटी बात हो गई हैं, जब छोटा लेवल होता है तब उसमें समय जी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सब चीज़ छोटी छोटी हो गई है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ तो मैं बता देता हूँ, आगरा में मेरे पास महंगी से महंगी 2.25 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है, और ऐसी मेरे पास 12 प्रॉपर्टी है। एक रजिस्ट्री कल ही करी है, परसों आया अगर तलाश है, एक दिन का टाइम मिला, कल ही 34 लाख रुपए कल रजिस्ट्री की है। इन बातों को मैं बता रहा हूँ, लेवल के हिसाब से सब छोटी छोटी बात है, लेकिन जहां से मैं उठ के आया हूँ वहां के लिए बहुत बड़ी बात है। कार खरीदी थी, लोगों को खुशी हजम नहीं हुई। मैंने बोला टांग खींचते हैं बाहर के लोग, कार खड़ी करने के लिए जगह नहीं थी, रोड पर गाड़ी खड़ी होती थी। 3-4 दिन के बाद लोगों को दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, और कार को पूरा चकनाचूर तोड़ के चले गए। क्योंकि आदमी क्या कर सकता है, छीन तो सकता नहीं, नुकसान तो कर सकता है ना, नुकसान किया। और जिस बंदे ने नुकसान किया वही बंदा बोला मास्टर साहब भाई किसी ने कार तोड़ दी। मैंने अच्छा देखे किसने तोड़ी, अब पता तो कोई नहीं दिख रहा। मैंने कहा यार इसी ने तोड़ी होगी, क्योंकि परेशानी तो इसी को थी। अब वो देख रहा मास्टर परेशान होगा तो उसको खुशी पैदा होगी, लेकिन सेफ शॉप ने बताया था कभी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेफ शॉप आपके साथ में है। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो बड़ा सोचो। क्या सोचो? बड़ा सोचो। ट्रेनिंग में मेरे को दिशा में बताया गया था, और धन्यवाद दो प्रभु को। तो मैंने जब कार अपनी टूटी हुई देखी और थोड़ी देर बाद मेरे को याद आई कि मैंने ऐसी ऐसी बात सीखी है, तो मैंने बोला अरे सर धन्यवाद उस बंदे का जिसने मेरा कार तोड़ी। उसका मुंह थोड़ा सा निकल आया, बोले ये तो तोड़ने का भी धन्यवाद दे रहा। बोला ऐसा क्या हुआ? अरे मैंने कही ऊपर वाला मैं तो कह रहा हूँ धन्यवाद उस बंदे का जिसने मेरी कार तोड़ी, क्योंकि वो मेरी छोटी कार से खुश नहीं होना हो रहा है, आज मेरे को बड़ी कार लाएंगे तब उसके बाद वो खुश होगा। बोला बड़ी लाओगे? बोला हाँ। तो मतलब बाहर जो पहले लोग जो मेरे को देख के हंसते थे आज उनको रोने के लिए जगह नहीं है, लेकिन शुरुआत में तो लोग आपके ऊपर जरूर हंसेंगे, और ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और उनको कोई जवाब नहीं देना है पलट के, लेकिन काम का आपका जवाब देना चाहिए, आपकी सफलता उनको जवाब देना चाहिए। और अगर आप जो लगातार वाला जो सर ने प्रोसेस बताया है और लगातार आप यहां काम करेंगे तो काम आपका उनको जवाब दे देगा।